मेरा नाम अनिल नंदा है मैं रिटायर्ड जनरल मैनेजर कॉरपोरेट से उसके बाद मैंने 12 साल एज ए सीनियर फैकल्टी भी काम किया है मोहाली में मेरे दो तीन बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एक है मेरा कोई अबाउट फोर फाइव इयर्स बैक मेरी बैक की बहुत प्रॉब्लम थी मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े पटियाला के चंडीगढ़ के देहरादून के और दिल्ली के कोई थेरेपी नहीं छोड़ी कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ी मैं बहुत ही प्रॉब्लम में था लेक्चर्स देने जाता था बेल्ट्स डालता था पेन किलर खाता था कई बार ड्राइवर को लेकर जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा किसी दिन एक दिन आई थाट कि मैं तो अब बेड के ऊपर आ गया देन ऑल ऑफ़ ए सडन जैसे भी क्या होता है मेरे को इधर ब्रह्मा कुमारी का इधर ख्याल आया इधर मैं आया मैंने इधर से जो भी सीखा मेडिटेशन सीखी आज करीब करीब चार पाँच साल हो गए हैं ना कोई डॉक्टर है ना कोई एक्सरसाइज है ना कोई मेडिसिन है ना कोई थेरेपी है, है एक इक्वेशन मैंने माइंड में रखी आपने वो सोचना है जो आपको चाहिए आपने वो नहीं सोचना जो हो रहा है उूट इट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट द रियलिटी वॉट यू वॉन्टेड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दी रियालिटी वट इज है मेडिटेशन मॉर्निंग में सुबह उठकर उठते साथ जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और रात को सोने से पहले मैं ये करता था आज मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट नाइन नाइनटी फाइव परसेंट आई एम एब्सोल्यूटली फाइन एक दो एक्सपीरियंसिस और भी है से uh, अबाउट तीन साल पुरानी बात है तीन साल पुराने मैं स्लीपिंग पिल मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी नींद की प्रॉब्लम थी और हर हर हफ्ते मेरे ख्याल दो या तीन माइल्ड सी स्लीपिंग पिल्स भी मैं लिया करता था आज आज देखिए मेरे को ऑलमोस्ट नौ महीने हो गए करीब करीब दस महीने हो गए नॉट इवन ए सिंगल पिल आई हैव टेकन इट वाई हाउ इट इज ऑल इन द माइंड इट इज ऑल इन द पावर ऑफ योर माइंड जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा थर्ड एक और एक्सपीरियंसिस है uh, मेरी वाइफ का ये कोविड के टाइम की बात है उनको पेट की काफी प्रॉब्लम होगी थी गट्स वगैरह और काफी प्रॉब्लम थी उनकी ऑनलाइन uh, डॉक्टर्स को हमने दिखाया न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनलाइन दिखाया उन दिनों में देन वी हमने उनको गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट को दिखाया यहां पर लोकल डॉक्टर में पटियाला में छ महीने इलाज चलता रहा महीने खूब टेस्ट हुए ली कोई फर्क नहीं पड़ा उनको देन वन डे आई टोल्ड हर के आज देन शी वॉज अप देन उन्होंने बोला कि मैं कल से दवाइयां बंद कर रही हूँ मैं फेटअप हो गई हूं मैं क्या चलो एक मेरी छोटी सी बात मान लो मैं आपको कुछ ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन पांच दस पंद्रह मिनट की है आप सुबह उठते हो आप अपना हेडफोन लगाओ हीलिंग मेडिटेशन लगाओ और विजुलाइज़ करो विजुलाइज़ मतलब जो आप सुन रहे हो वैसे ही उसका इमेज क्रिएट करो माइंड में और उसको बिलीव करो उसको पूरे फेथ के साथ आज देख लीजिए छह महीने हो गए करीब करीब कोई मेडिसिन है कोई डॉक्टर है एंड शी इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड हाउ इट है हमने मैंने ये इक्वेशन जैसे अभी पहले आपको बताया आपने वो सोचना है जो आपको चाहिए आपने वो नहीं सोचना है जो आपके साथ हो रहा है ये इक्वेशन अगर आपने पकड़ ली रात को सोने से पहले जब हमारा रात को नाइट को अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है रात को सोने से पहले उसको याद करो परमात्मा को याद करो और मेडिटेशन के साथ अपने आप में वो फिल इन कीजिए पहले दस मिनट जब आप सुबह उठते हो आपका वही वो, वो रिपीट कीजिएगा यू विल सी द मिरेकल हैपनिंग्स एक और बड़ी पावरफुल एग्जांपल है मेरे एक फ्रेंड है हम इकट्ठे इंजीनियरिंग करिए उन्होंने मेरे को ये तीन साल पुरानी बात है मेरे को वो पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है मैं उनको फोन करूं वो फोन ना उठाएं रात को उनकी वाइफ पर फोन आ गया मेरे को मैंने पूछा कैसे है रमेश का कैसे है कहते हैं जी उनको ब्रेन हेमरेज हो गया अबाउट टेन फिफ्टीन डेज बैक हम मिदंता हॉस्पिटल है गुड़गांव में वहां पर लेके गए हैं और उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन इतनी खराब है इस टाइम अगर हम ऑपरेशन अभी करते हैं ब्रेन का तो इनको पैरालटिक अटैक वगैरह हो सकता है हमने अभी एक महीने के लिए मेडिक मेडिकेशन दवाइयों के ऊपर रखा है एक महीने के बाद देखेंगे मैंने उनको बोला भाभी जी आप ये फोन लाउडस्पीकर पर, पर लगा लीजिएगा और रमेश को बोलना जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसको सुने सिर्फ मैंने मैंने कुछ बातें बताई यही जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर रहा था उसकी ऊपर वाले की बातें दस पंद्रह मिनट बताई फोन खत्म हुआ रमेश ने फोन लिया अपनी वाइफ से और उसने बोला कि जो भी अनिल तूने अभी आपने अभी बोला है सारा कुछ मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया अभी के अभी मैंने उसको भेज दिया अगले दिन नेक्स्ट मंथ उसका चेकअप होना था मेदंता हॉस्पिटल में वहां पर वो गए वहां पर उन्होंने चेकअप करवाया उन्होंने डॉक्टर से बोला कि आपका ना कुछ हमको मार्जिनल इंप्रूवमेंट लग रही है 10-15 परसेंट आप ये मेडिकेशन जो दवाइयाँ हैं इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा बट इन मीन वाइल उस, उस मेरे फ्रेंड ने वो जो कुछ प्रैक्टिस बताई थी उनको वो अपने हील करने की हीलिंग मेडिटेशन के लिए उसने रेगुलसली करना शुरू कर दिया थ्री टाइम्स इन ए डे मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट एक महीने के बाद वो दोबारा फिर उससे पहले हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम आपका ऑपरेशन पक्का है आप 10-15 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके आना और 10-15 दिन लग सकते हैं आपका ब्रेन का सर्जरी के लिए नेक्स्ट मंथ जब वो वहां पर गए उन्होंने चेकअप किया एंड डॉक्टर्स वर अमेस्ड के आपका ऑलमोस्ट चालीस पचास परसेंट इम्प्रूवमेंट है आई I मीन mean, दवाइयों का भी अपना असर है बट मेडिटेशन का अपना असर था उन्होंने बोला कि हम एक महीने का और चांस लेते हैं आप नेक्स्ट मंथ आइए और दवाइयाँ ये कंटिन्यू रखिएगा उन्होंने दवाइयाँ कंटिन्यू रखी बट इन द मीन टाइम उसने मेडिटेशन जो प्रैक्टिस बताई थी बहुत रेगुलरसली करनी शुरू की कैन यू बिलीव नेक्स्ट मंथ वो गे डॉक्टर्स फॉर टोटली अमेज ऑलमोस्ट कहते हैं आपका ठीक हो गया कैसे ठीक हुआ आज तक है उनकी हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं हुई अगर मैं अभी के अभी आपको उस अपने फ्रेंड से बात करवाऊ टेलीफोन के ऊपर वो आपको हंड्रेड परसेंट क्रेडिट देगा इस प्रैक्टिस से ये मेडिटेशन से आज वो बिल्कुल ठीक है तीन साल हो गए कोई सर्जरी नहीं हुई कोई उसका ब्रेन का उसका जो भी एम आर आई वगैरह हुई ऑल क्लियर हाउ इट है ऑल बिकॉज ऑफ दैट थैंक यू सो मच